शेरगुल महाराज चमियारा देख सकते हैं वीडियो में, इसमें हम लोग श्रद्धालु आते हुए तो आज हम चमियारा पहुंचे हैं। आप सभी दर्शकों का स्वागत अभिनंदन। नमस्कार जी, हम आपको यहाँ पे शेरगुल महाराज के दर्शन करवाने जा रहे हैं और यहाँ पे बात करते हैं थोड़ा सा इतिहास के बारे में, मंदिर के बारे में, किस तरह की। स्वागत है, अभिनंदन है सभी दर्शकों का। आज हम आए हैं चमियारा, तो यहाँ कुछ स्थानीय लोग हैं, किस तरह का आयोजन यहाँ पे रहता है, आइए बात करते हैं। सबसे पहले सर, अपना परिचय और क्या किस तरह का आयोजन यहाँ पे रहता है, उसके बाद विषय में थोड़ी सी दर्शकों तक जानकारी साझा करें। अच्छा, हम चमियारा गांव के निवासी है। यहाँ चमियारा गांव में दशहरे का पर्व मनाया जाता है, कि जिसको कि स्थानीय भाषा में हम पायता के नाम से जाना जाता है। ये पर्व हमारे पूर्वजों ने बहुत पहले, हमें तो पता नहीं है कब से शुरू हुआ, लेकिन पूर्वजों से सुनने में मिला है कि सैकड़ों साल पहले ये दशहरे का आयोजन यहाँ पर पायता के नाम से जो प्रसिद्ध है। और पिछले 4 सालों से यहाँ पर चमियारा गांव में युवा जो क्लब है चमियारा का, शिवपुर सेवा समिति के नाम से जो जाना जाता है, यहाँ पर खेल कूद प्रतियोगिता के भी आयोजन किया जाता है। हर साल ये कर रहे हैं और इस बार भी आयोजन किया गया है, ताकि लोग यहाँ पर बाहर के मेहमान लोग आए, यहाँ पर दशहरे का पायते का भी भरपूर लाभ उठाए। और ये हमारा प्राचीन मंदिर है, शेरगुल महाराज का मंदिर है। यहाँ पर पालकी, जो शेरगुल महाराज की पालकी जो रखी गई है, ये मैं दर्शकों को दिखाना चाहता हूँ कि ये ऐतिहासिक पालकी है जो कि हमारे पूर्वजों ने बनाई है और ये सैकड़ों साल पहले की बनी हुई है। अभी युवा समिति जो शेरगुल समिति चमियारा की है, वो अभी इसके ऊपर विचार विमर्श कर रही है, ताकि हम पालकी का नया निर्माण कर सके और सुशोभित कर सके। और मंदिर का निर्माण का कार्य भी अभी बहुत जल्द शुरू होने वाला है। और मैं यहाँ से संदेश देना चाहता हूँ सभी लोगों को, जो हमारे आसपास के लोग हैं, शिलाई क्षेत्र के लोग हैं और जिला सिरमौर के लोग हैं, कि हमारे गाँव में आए और हमारे दशहरे के जो त्यौहार जो हम मनाते हैं, इसको और प्रसिद्ध करने के लिए यहाँ पर आए और शोभा को बढ़ाए। आज शाम का जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है, उसमें क्या स्पेशल रहता है? कोई लोक कलाकार अपनी हाटी, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए किस तरह की एक पहल रहती है? स्थानीय कलाकार होते हैं, तो किस तरह का आज रहने वाला है, उसके विषय में थोड़ा सा प्रकाश डाले। हाँ, इस बारे में मैं कहना चाहूँगा, मैं अभी भूल गया था, पहले बताना भूल गया था, लेकिन यहाँ पर जो हर साल शाम को जो सांस्कृतिक प्रोग्राम जो यहाँ पर हाटी समिति के लोग हैं, हम हाटी कला मंच के लोगों को यहाँ पर आमंत्रित करते हैं, ताकि हम अपनी संस्कृति को बचा सकें। और हमारा जो पहाड़ी गान, नृत्य गान है, उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिसाइज कर सकें, हमने अपनी संस्कृति को बताया, ताकि हम जो बाहर जाते हैं, बाहर के युवा जो बाहर काम पे जाते हैं, नौकरी पेशे में बाहर जाते हैं या किसी और धंधे से बाहर जाते हैं, सारे लोग आ जाते हैं, महिलाएँ, जो हमारी जो लड़कियां हैं इस गांव से दूसरे गांव में जो ब्याही हुई, वो भी सारी आज के दिन यहां पर आती है और इस त्यौहार की शोभा को बढ़ाते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये कुछ स्थानीय लोग थे, इन्होंने आज जिस तरह का कार्यक्रम यहां पे होता है, उसके विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। आप यूं ही हमारे साथ जुड़े रहे, अगली नई इन्फॉर्मेशन के लिए फिर हम मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।